दुर्घटना से देर भली। दोस्तों, इस लाइन को आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, मगर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? यदि सोचा है तो अच्छी बात है, यदि इस बारे में नहीं सोचा है तो अब भी समय है कि वक्त रहते हुए इसे हम समझें, क्योंकि नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में सड़क हादसों में 151,000 लोगों की मौत हुई साल 2018 में, जिसमें 97,488 लोगों की मौतें ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई। अब ओवर स्पीडिंग कब होती है? जब रोड खाली होता है। शहर के अंदर ट्रैफिक यदि ज़्यादा हो तो हम लेट हो सकते हैं, लेकिन वो मौत का कारण नहीं बनता। लेकिन बाईपास में या एक्सप्रेसवे या हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है ओवर स्पीडिंग, और ओवर स्पीडिंग में भी मौतें सबसे ज़्यादा होती है सेमी डार्कनेस में, यानी सुबह के टाइम, शाम के टाइम या फिर रात के टाइम। शहर के अंदर की बात करें हम तो, जब खाली रोड होता है तो अमूमन व्यक्ति क्यों ना जाने क्यों अपनी स्पीड बढ़ा के रखता है, चौराहों से गुजरता है तो अपनी स्पीड को कम नहीं करता और स्पीड तेज रखता है। जबकि येलो लाइट 24 घंटे जो येलो लाइट चलती है, यानी कि रात को जब सिग्नल बंद होते हैं उसके बाद भी लाइट चालू रहती है। लोग कहते हैं कि सिग्नल बंद हो जाते हैं रात में, लेकिन सिग्नल बंद नहीं होते हैं। येलो लाइट जो ब्लिंकर करती है उसका यही मतलब होता है कि वेट एंड वॉच। यदि दूर से आपको येलो लाइट ब्लिंकर करती हुई दिखे तो अपने वाहन को धीमा कर दें। इसका मतलब है कि कोई जंक्शन है, कोई चौराहा है या कोई तिराहा है, तो उस समय अपने वाहन की स्पीड कम कर दें और लेफ्ट राइट देखें, उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन अमूमन हम ये गलती करते हैं, रात के समय ये समझते हैं कि रोड खाली है और हम उसी स्पीड से जाते हैं, और ब्लाइंड स्पॉट बनता है, दूसरी ओर से आने वाला व्हीकल दिखता नहीं, और इस वजह से टकराव होती है और मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो कृपया निवेदन है कि ओवर स्पीडिंग से परहेज करें। हम ईश्वर से विनती करते हैं कि आपका सफ़र सुरक्षित हो, पर आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपने वाहन को निर्धारित गति में चलाएं, कि आप अपने वाहन को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि आपके घर में आपकी कोई राह देखता है। जय हिंद, जय भारत।